हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपके लिए फिर से एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे चार कलर लिए हुए हैं और मैंने 9 नंबर सिलाई ली हुई है। इसी से मैं आपको एक प्यारा सा डोरमेट बताऊँगी। आप इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप कोई भी कलर से फंदे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखिए ब्लू कलर से, ये देखिए इस तरह से मैं 22 फंदे डाल लेती हूँ। आपको जितना बड़ा चाहिए आप उस हिसाब से इसमें फंदे डाल सकते हो, 30 फंदे या आप 40 फंदे, 50 फंदे, इस तरह से आप फंदे डाल के इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 22 फंदे डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 22 फंदे डाल चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखिए 6 फंदों में डिजाइन बनाएंगे। तो हमने ये देखिए यहाँ पे वाइट कलर लगाते हुए ये देखिए इस तरह से पहली सिलाई से, तो 2 फंदे मुझे वाइट के बनाने, 2 फंदे हम ब्लू कलर से बनाएंगे ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए 4 फंदे हो चुके हैं। अब ये देखिए, तो यहाँ पे इस तरह से 6 फंदों का हम डिज़ाइन बनाएंगे। आपको जितना बड़ा भी इसका बॉर्डर रखना है आप इस हिसाब से इसमें इसी तरह से बॉर्डर बना सकती हैं। तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे, लास्ट का एक फंदा बगैर बुना छोड़ेंगे ये देखिए, ये देखिए इस तरह से लास्ट का मैं एक फंदा बगैर बुना छोड़ दूंगी यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से, और सीधी सिलाई में हम इसको पूरा सीधा ही बनाएंगे। यहाँ पे हमने लास्ट का एक फंदा छोड़ दिया है बगैर बुना। इसके बाद हम यहीं से टर्न कर लेंगे। अब सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लास्ट का एक फंदा छोड़े हैं ये देखिए, बॉर्डर वाले फंदे हम उसी तरह बनाएंगे जिस तरह से हमने ये जो जैसा फंदा है उसी कलर से हम बनाएंगे इसको। तो देखिए धागे को हम इस तरह से क्रोश करेंगे, ब्लू कलर आगे ले आएंगे, ओ सॉरी वाइट कलर आगे लाएंगे, तो 2 फंदे हम वाइट से बना लेते हैं, पीछे धागा करेंगे और 2 फंदे हमारे आगे वाले ब्लू कलर के हैं ये देखिए इस तरह से पीछे धागा इस तरह से। अब हम उल्टी सिलाई पे हैं, सिलाई को हम बना लिए हैं, एक फंदा हमने छोड़ दिया है। फिर से हम उल्टी सिलाई पे, तो देखिए यहाँ पे जो वाइट वाले फंदे हमारे ये मैं ब्लू कलर से बना लूँगी इस तरह से ये देखिए, और जो ब्लू वाले फंदे हैं आगे वाले ये हम वाइट से बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हमने इसका बॉर्डर बनाना है ये देखिए, वाइट वाले फिर से हम ब्लू कलर से बना रहे और आगे के हम फंदे इसी तरह से बना लेंगे और लास्ट का फिर से हम एक फंदा छोड़ेंगे इसी तरह से हम बनाएंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे हम लास्ट का एक फंदा फिर से छोड़ रहे हैं ये देखिए, तो यहाँ पे 2 सिलाइयाँ हो चुकी हैं, 2 फंदे छोड़ दिए। इसी तरह से मैं यहाँ पे 8 सिलाइयाँ बनाती हूँ और एक एक करके 8 फंदे छोड़ देती हूँ, जिस तरह से मैंने ये 2 फंदे छोड़े हैं उसी तरह से। तो चलिए हम 8 फंदे छोड़ लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं। मैं बॉर्डर को आपको बता रही हूँ, बॉर्डर हमने इसी तरह से 6 फंदों का बनाते हुए जाना है और 8 सिलाई पे एक एक फंदा लास्ट का हम छोड़ते हुए जाएंगे। तो देखिए सीधी सिलाई में हमने इसी तरह से बनाना है, जो फंदा जो जिस कलर से है उसी तरह से ये देखिए पीछे धागा ब्लू कलर आगे, अब ये 2 फंदे हम ब्लू कलर से बना लेंगे ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम ये देखिए फिर से मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ब्लू कलर के फंदे हैं
तो यहाँ पे हम अब ये वाइट से बना लेंगे। उल्टी सिलाई पे ही हमने बॉर्डर को बनाना है, सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ये वाइट वाले ब्लू कलर से और आगे के फिर दो फंदे वाइट से, ये देखिए इस तरह से हम इसमें डिजाइन बनाते हुए जाएंगे लास्ट का एक एक फंदा। तो चलिए मैं 8 फंदे छोड़ लेती हूँ, इसके बाद दिखाती हूँ आपको। मैं यहाँ पे 8 फंदे छोड़ चुकी हूँ, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8, 8 फंदे हमने अब ये यहाँ पे, ये देखिए बॉर्डर हम उसी कलर से बनाएंगे जिस तरह से हम बना रहे हैं, ये देखिए। ब्लू पे वाइट और वाइट पे ब्लू इस तरह से, तो यहाँ पे ये 6 फंदों में बन गया है बॉर्डर। अब ये देखिए 8 फंदे अभी बाकी हैं, 8 फंदों में हम यहाँ से यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और 8 फंदे हम ये भी इसी तरह से छोड़ेंगे। दो चार छः आठ, यहाँ पे हमने 8वां फंदा इस कलर को लगाते हुए छोड़ दिया है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम एक सिलाई इसी तरह से बनाएंगे, अब ये 8 फंदे भी हम इसी तरह से छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से धागे को पीछे ले जाएंगे और वाइट वाला धागा आगे लाना है इस तरह से, पीछे धागा ऑरेंज आगे, सॉरी ब्लू आगे लाएंगे, अब 8 फंदे भी मैं इसी तरह से छोड़ लेती हूँ। ये देखिए जिस तरह से मैंने ब्लू कलर के छोड़े हुए हैं उसी तरह से, और इसके बाद आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने जिस तरह से, ये देखिए 8 फंदे मैंने ये भी छोड़ दिए हैं ऑरेंज कलर के, अब जिस तरह से छोड़े हैं उसी तरह से हम एक एक फंदा लेते हुए जाएंगे, ये देखिए इस बॉर्डर को बनाते हुए, ये देखिए बॉर्डर हमने उसी तरह से बनाना है जिस तरह से हम आपको ये बता रहे हैं, ये देखिए वाइट पे ब्लू और ब्लू पे वाइट इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पे ये हमने 8 8 16 फंदे छोड़ लिए हैं, इसी तरह से हम अब इन फंदों को बनाएंगे और यहीं से वापस होते चले जाएंगे इस तरह से। ये देखिए एक एक फंदा जिस तरह से छोड़ा है उसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए मैं उसी तरह से इसको बनाती हूँ, जिस तरह से एक एक फंदा छोड़ा है उसी तरह से बना के कंप्लीट करती हूँ, इसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जिस तरह से एक एक फंदा छोड़ा था उसी तरह से ऊपर की तरफ हमने एक एक फंदा लेते हुए ये पत्ती हमने बना ली है, ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से छोड़े थे उसी तरह एक एक फंदा बनाए हैं। 8 सिलाइयाँ नीचे बनाई थी तो 8 सिलाइयाँ ही ऊपर बनाई हुई हैं, 8 फंदे छोड़े थे उसी तरह से 8 फंदे लिए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे एक पत्ती हमारी कंप्लीट है बनके। अब ये देखिए हम यहीं से इस सीधी सिलाई को बना के उल्टी सिलाई पे, ये देखिए दूसरा कलर लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे हमारी एक पत्ती बनके कंप्लीट है, हमने यहाँ पे 8 सिलाइयाँ नीचे बनाई थी, 8 सिलाइयाँ ही ऊपर बना ली हैं। इसके बाद ये देखिए हम यहाँ से इसमें ये दूसरा कलर लगाएंगे, ये देखिए चौथा कलर हम लगा रहे हैं इसमें, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए बॉर्डर वाले फंदे हम उसी तरह से बनाएंगे,
ये देखिए इस तरह से उल्टी तरफ से हम इस कलर को लगा रहे हैं और इसी तरह से हम दूसरी पत्ती बना के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम पूरा डोरमेट इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे डोरमेट हमारा बनके कंप्लीट है और ये पत्ते वाला हमने डोरमेट बनाया है। ये देखिए इस तरह से तीन पत्तियाँ हमने इसमें बनाई हुई हैं, ये देखिए। और ऊपर वाली पत्ती मैंने ग्रीन कलर से बनाई हुई है ये। तो देखिए मैंने यहीं पे सारे फंदे घटा दिए हैं। अब ये देखिए मैं इसको उल्टा करते हुए यहाँ पे सिलाई कर लूँगी। इसको जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पे डोरमेट बनके कंप्लीट है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और जितना बड़ा आप इसको बनाना चाहें उतना बड़ा इसको आप बना सकते हैं और आसानी से इसे आप बना सकते हैं। पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं। तो देखिए आप बीच में कोई भी कलर का पॉम पॉम्स भी लगा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारा डोरमेट बनके कंप्लीट है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।